नौ दिनों तक चले शक्ति की भक्ति और उपासना के बाद सोमवार से प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर और आसपास के इलाकों के अलग अलग पंडालों में स्थापित दुर्गा प्रतिमाओं को विसर्जन जुलूस के रूप में समिति के पदाधिकारी नर्मदा तट गौरीघाट ले गए, जहां विधि विधान के साथ पूजन अर्चन कर माँ को विदाई दी गई। जिला प्रशासन और नगर निगम ने विसर्जन के लिए गौरीघाट के विसर्जन कुंड में विशेष व्यवस्थाएं पहले से ही कर रखी थी। विशाल क्रेन के जरिए प्रतिमाओं को कुंड तक ले जाया गया, जहाँ नगर निगम के कर्मचारियों और समिति के सदस्यों की मौजूदगी में प्रतिमाओं को नर्मदा जल में विसर्जित किया गया। विसर्जन के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना न हो, इसके लिए पुलिस और होमगार्ड के दलों की भी तैनाती की गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार जिला प्रशासन ने विसर्जन जुलूस में दुर्गोत्सव समिति के 10 से ज्यादा सदस्यों के शामिल होने पर पाबंदी लगा दी है। नियमों का पालन करते हुए दुर्गोत्सव समितियों ने अपनी अपनी प्रतिमाओं का बारी बारी से विसर्जन किया। विसर्जन घाट से आप लोग का काम हो गया तो अलग हो जाए वहां से। फोटोग्राफ ऊपर से करिए आप। आप लोग अलग हो जाइए वहां से। फोटोग्राफ आप ऊपर से करिए। घाट खाली कर दीजिए। ये हमारे सदस्य माँ षष्ठी दुर्गा उत्सव सेवा समिति शुक्ला नगर केवट मोहल्ला गढ़ा से सभी लोग यहाँ माता रानी के विसर्जन के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसमें व्यवस्थाओं में हम लोग ये सब सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहे हैं और सभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से ही हम लोग मतलब विसर्जन कर रहे हैं। जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस प्रशासन, इन तीनों टीमों की संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम सम्पन्न हो रहा है, जिसमें नगर निगम की तरफ से
हमारे विसर्जन हेतु एक मूवेबल क्रेन की व्यवस्था की गई है और नावों की व्यवस्था की गई है, जिसमें निर्बाध रूप से ये प्रतिमाओं का विसर्जन हो सके।